नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनोगढ़ टैंक का छात्र हूँ। मेरे इस यंत्र का नाम त्रिविमीय अल्पतमांक यंत्र है। इसकी सहायता से किसी भी त्रिविमीय वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी चीज़ें दशमलव के दो डिजिट तक ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम जब किसी भी वस्तु बनाते हैं सामान्य स्केल से तो हम दशमलव के एक डिजिट तक नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, पर इसके बाद क्या आएगा हम उसे नहीं बता सकते। उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। उसी अलग सिद्धांत पर यह कार्य करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका सिद्धांत क्या है। जब घड़ी के नोक को एक रोटेट घुमाया जाता है तो उसके मिनट की काटा पूरा एक चक्कर लगाता है। घड़ी में 60 भाग होते हैं जिसे मैंने 100 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसमें इसके नोक पर एक ऐसा गियर लगा होता है जिसकी परिधि 1 सेंटीमीटर होती है और 10 भाग होते हैं, मतलब प्रत्येक भाग के बीच की दूरी 1 mm होती है। साथ ही इस पर एक ऐसा स्केल लगा हुआ है जिसके प्रत्येक खांचे के बीच की दूरी 1 mm है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 भाग और इस पर भी 10 भाग। जब ये आपस में एक दूसरे पर चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर जब किसी वस्तु को नापा जाता है तो ये पूरा एक चक्कर लगाता है। चूँकि मैंने इसे 100 भागों में बांटा है, अर्थात ये 1 mm को 10 भागों में बांट देता है। जब भी किसी वस्तु को नापा जाता है तो ये घड़ी जहाँ पे रुकती है हम उसे बता सकते हैं कि उसका दशमलव के सेकंड डिजिट क्या होगा। मैं आपको एक वस्तु नाप के दिखाता हूँ। जैसे कि एक पेन है जिसका व्यास ज्ञात करना है, इसे इस प्रकार करते हैं, इस स्केल को इस प्रकार उठाना है और इसका व्यास ज्ञात करना है। ये 1 सेंटीमीटर से कम है, नीचे है, तो हम इसे यहाँ देख सकते हैं। ये 52 पे रुका हुआ है, मतलब 1 सेंटीमीटर ये पूरा चक्कर नहीं लगा है, मतलब इसे 1 सेंटीमीटर भी नहीं है। इसका व्यास है 0.92 सेंटीमीटर, अर्थात ये इसका सेकंड डिजिट को भी बता सकता है, वो भी शुद्धतापूर्वक। सामान्यतः वर्नियर कैलिपर्स में ऐसी परेशानियाँ आती है कि कभी दो रेखाएं समांतर मिलती हुई दिखाई देती है जिसके कारण परेशानी उत्पन्न होती है और हम बता भी नहीं सकते कि उसका सेकंड डिजिट क्या होगा। यह उसका हल है जो उसे शुद्धतापूर्वक नाप सकता है। यह कई कार्य कर सकता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में हम इसका व्यास ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसका आकार गोलाकार है, परंतु इसकी सहायता से इसे ज्ञात किया जा सकता है। हमें सिर्फ इसे इस प्रकार रखना है और ज्ञात कर लेना है। ये इसका सेकंड डिजिट बताएगा और ये इसका मुख्य पैमाना, इस प्रकार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका व्यास ज्ञात कर रहा है, दो से भाग देंगे जिससे कि इसकी त्रिज्या निकल जाएगी और इसके सारे सूत्र में सिर्फ हमें इसके त्रिज्या की ज़रूरत है जिसे हम इसमें मान रख के इसकी सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार सामान्य स्केल से इसकी लंबौत ऊंचाई ज्ञात नहीं की जा सकती, परंतु इसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है। हमें सिर्फ इसे इस प्रकार रखना है और स्केल पैमाने को नीचे करके इसका पाठ्यांक नोट कर लेना है, जो कि यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर से ऊपर है और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये 62, अर्थात 6 और 2 उसके दशमलव के बाद हम रख देंगे जिससे कि इसका लंबवत ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार इसका आकाशीय विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम इसे सूत्र देख सकते हैं। आकाशीय विकर्ण का सूत्र √3 होता है। हम इसके एक भुजा का मान तो ले सकते हैं, लेकिन यदि हमें √3 का मान ज्ञात ना हो तो हम कैसे करेंगे, परंतु हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसे इस प्रकार रखना है, इसका आकाशीय विकर्ण जिसके आकाशीय विकर्ण को नाप देता है शुद्धतापूर्वक, जो कि 17.3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार इसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है और व्यास ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।